आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने ली है अमेरिका से। जी हाँ, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम एक जुमला बहुत सुनते हैं कि अमेरिका कोलंबस ने दरियाफ्त किया, और कोलंबस क्या है, कोलंबस में जो है वो किस तरह से जो है वो अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। हाउ कैन दिस पॉसिबल कि एक बंदा जो है वो एक पूरे का पूरा जो है वो एक मुल्क जो है वो दरियाफ्त कर ले, ऐसा कैसे हुआ। हर ये जो एक थ्योरी है, एक साइंस है, ये एक तारीख है, ये रिकॉल होती है अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपको पता है कि खास इसकी तारीख है, डेट है, जब जो है वो कोलंबस के हवाले से जो है वो बताया जाता है कि अमेरिका कोलंबस ने दरियाफ्त किया, और इस जो है जिसकी मुनासबत से जो है वो इस दिन को जो है वो मनाया भी जाता है अमेरिका में, इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर किस तरह, कब और कैसे कोलंबस ने जो है वो अमेरिका दरियाफ्त किया, सवाल ये पैदा होता है। तो अमेरिका जो कोलंबस डे है 1937 से हर साल से जो है वो मनाया जा रहा है, और कोलंबस ने जब यहां पर आया था तो इस सरजमीन पर स्पेन की मलकियत का दावा उसने जो है वो किया था। फिर अमूमन ये बताया जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कोलंबस ने इस खित्ते को 1492 और 1502 के दरमियान जो है वो कहीं जाके अपने चार समंदरी सफार के जरिए जो है मगरबी यूरोप में मुतारिफ करवाया था। ये बात हो रही है 1937 की, जब से जो है वो अमेरिका में कोलंबस डे जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम जो है वो साइंस और तारीख पढ़े तो पता ये चलता है कि कोलंबस जो है वो आया था यहां पर 1502 यानी 1492 से जो है 1492 से लेके 1502 तक के दरमियान जो किए गए, जिसके चार सफरी असफार थे, उसके जरिए उसने मगरबी यूरोप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये कहना भी दुरुस्त होगा कि कोलंबस ने मगरबी यूरोप से बड़े पैमाने पर लोगों के इस नए दरियाफ्त खित्ते को जो है वो दरियाफ्त कर लिया, लेकिन हतमी तौर पर यह कहना कि कोलंबस ने अमरीका दरियाफ्त किया, ये ठीक नहीं है। आज असल में इंटरेस्टिंग बात है यही कि मैं आपको ये बता रही हूं कि कोलंबस ने अमरीका दरियाफ्त किया ही नहीं, कैसी बात है। आप इस पर जो है मुख्तलिफ सवाल उठाएंगे और मुख्तलिफ जो है वो मुझे इस चीज के लिए जो है वो कुछ लोग गलत भी साबित करेंगे, कुछ लोग सही भी साबित करेंगे, लेकिन इसकी तफसील मैं आपको बताती हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसकी बात यह है कि अमेरिका की कदीम तारीख हमें यह बताती है कि असारे कदीमा से मुतालिक जरीदे अमरीकी आर्कियोलॉजी के जो मुदीर हैं माइकल बावा, उनके मुताबिक पहली अमरीकी गालिबन बर आजम एशिया से 15,000 साल कबल यहां पर आकर आबाद हुए थे। वो लोग समंदर के दरमियान उभरते इस पतले से पगडंडी नुमा रास्ते के जरिए इस जगह पहुंचे थे जो साइबेरिया और मौजूदा अमरीकी रियासत अलास्का को मिलाता था। 15,000 बरस कबल समंदर की सतह बहुत कम थी और बर आजमों के दरमियान वाली जमीन सैकड़ों मील वसी हुआ करती थी। अब ये मैं आपको सारा स्ट्रक्चर और ये जो इसकी तफसील मेरे पास मौजूद है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस वक्त ये जमीन रियासत अलास्का के सी वर्ल्ड नामी जजीरे से मिलती थी और जहां कोई दरख्त और सब्जा वगैरह मौजूद नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक जो है वो पगडंडी थी, पानी था, यहाँ कुछ नहीं था, एक जजीरा नुमा जो है वो ये जगह थी, यहाँ पर कोई ग्रीनरी मौजूद नहीं थी जब वो लोग यहाँ पर आए, लेकिन नामवाकिफ हालात की वजह से यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद थे। अमेरिका की कौमी पार्क सर्विस के मुताबिक जमीनी रास्ते ने बड़े आदमों के दरमियान नबातात और हैवानात के मुंतकिल और होने और अफजाइश में अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद यहाँ लोग आबाद होना शुरू हुए, और फिर ये जो है कहना शुरू कर दिया कि कोलंबस यहाँ पर आया था और कोलंबस ने जो है वो अमरीका दरियाफ्त किया। तो आज ये साबित हो गया, हमने इंकशाफ कर दिया गुड मॉर्निंग टुडे में स्पेशली कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया, और मैंने इस चीज को आपको जो है वो पॉइंट भी दे दिया कि क्यों नहीं किया। ये इतनी बड़ी थ्योरी है, इतनी बड़ी बात है, तो आज तक किसी टीवी चैनल पे किसी एंकर ने नहीं उठाई, और हमारे जो है वो टीवी चैनल को, टीवी टुडे को ये क्रेडिट जाता है कि आज हमने आपको जो है वो इस पर रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से बताया कि कोलंबस ने अमरीका दरियाफ्त क्यों नहीं किया। और जो है वो अक्सर औकात जो है वो तारीख के अदवार अगर हम खोलें और तारीख को सही तरीके से पढ़े तो हमें पता चलता है कि असल बात क्या है। लोग क्या कहते हैं कि बात जहां तक फैलती है वहां से फिर निकलती है, और फैलती फैलती पता नहीं कहां तक जो है वो चली जाती है। तो ये कोलंबस वाली बात भी इसी तरह फैली और लोगों ने इसे बढ़ा दिया फकत जेबे दास्तां के लिए। तो ये जो चीज थी ना, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें साइंस को पढ़ना है, हमें थ्योरी को पढ़ना है, तारीख को पढ़ना है, और मैं हूं ना, मैं आपको सब बताऊंगी, तारीख के बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में, हर चीज के बारे में, कि कहां की क्या हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है। हम सिर्फ इंटरेस्टिंग बात ये करते हैं कि फलानी जगह जो है वो ये चीज ईजाद हो गई, ये इंटरेस्टिंग है। नो, मेरे नजदीक इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे नजदीक इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिसपे आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये क्या है और ये डॉक्टर साहब जो है वो क्या कह रही है। तो जनाब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, कोलंबस ने अमरीका दरियाफ्त नहीं किया, बल्कि कोलंबस के यहाँ आने से बहुत पहले ही यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे जिंदगी के आसार जो है वो मौजूद थे, लोग भी मौजूद थे, जो एक पगडंडी के थ्रू जो है वो एक जजीरा नुमा ये जगह थी जहां
यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं थी, लोग यहाँ आते थे, रहते थे, जिंदगी यहाँ पहले से मौजूद थी। कोलंबस जब यहाँ पर आया तो उसने जो है वो यहाँ पर आकर एक नई वैरायटी, और ऐसे जैसे कहते हैं ना कोई आता शोर शराबा मचाता है कि मैंने फलां जगह पर एक जजीरा देखा और वो ऐसा है और वो ऐसा है, और उसके बाद वहां जिंदगी का सार हो गया। जब शोर मचता है तो सबको पता चल जाता है, लेकिन उससे पहले वो किसी और के क्रेडिट पे जो है वो बात जा रही होती है, लेकिन जो शोर मचाता है ना वो सारा क्रेडिट वो ले जाता है। तो कोलंबस साहब ने भी ऐसे ही किया था। बहरहाल जी, ये तो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च करके और बड़े जो है वो टाइम अपना